हेलो, वेलकम टू ऑल। अभी हम पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे तांबा यानी कॉपर के बारे में। तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज है। औद्योगिक उपयोग एवं महत्व की दृष्टि से देखें तो लोहे के बाद तांबे का ही स्थान है। तांबे का प्रयोग विभिन्न रूपों में प्राचीन काल से ही होता आया है। अगर मानव के विकास क्रम को देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले स्टोन एज था या पाषाण काल था, उसके बाद कॉपर एज आता है या ताम्रयुगीन सभ्यताओं का दौर आता है, और उसके बाद आता है आयरन एज या लौह युग। तो इस अगर विकास क्रम में देखें तो तांबे का उपयोग मानव ने लोहे से भी पहले प्रारंभ कर दिया था, और उस समय इसका उपयोग बर्तन बनाने, सिक्का बनाने, आभूषण बनाने जैसे कार्यों में होता था, और यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में भी तांबे का उपयोग किया जाता था। अब देखते हैं आधुनिक युग में। 19वीं सदी में जब से विद्युत शक्ति का उपयोग बढ़ा है तब से तांबे का महत्व बहुत बढ़ गया। तांबे की एक प्रकृति होती है कि यह विद्युत का बहुत बड़ा सुचालक है, इसलिए विभिन्न प्रकार के विद्युत तार और उपकरण मुख्यतः तांबे के ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो इंजन, बर्तन, घड़ी, रेडियो, बहुत सारे रासायनिक मिश्रण, इनमें भी तांबे का उपयोग होता है। और तांबे के साथ अन्य धातुओं मिला के अनेक प्रकार की मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि टिन को मिला के कांसा, जस्ते को मिला के पीतल, सोने को मिलाकर रोल्ड गोल्ड, और ये है तांबे का उपयोग। अब देखते हैं इसका वैश्विक वितरण एवं उत्पादन। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं चिली, पेरू, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कांगो, जाम्बिया, कनाडा, इंडोनेशिया, पोलैंड आदि। ये जो देश हैं इनके अंदर कौन से प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं तथा इनकी अर्थव्यवस्था में तांबे का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये है विश्व का मानचित्र जिसमें कि प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाया गया है। अगर क्षेत्रवार देखें तो ये जो क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका का, लैटिन अमेरिकी क्षेत्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इसमें भी जिन दो देशों की महत्वपूर्ण भूमिका, वो है चिली तथा पेरू। तो सबसे पहले देखते हैं चिली के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। इससे पहले देख लेते हैं, ये यहाँ एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है एंडीज, और इसके जो पश्चिमी ढाल है पेरू तथा चिली देश में, यहाँ जो प्रमुख तांबे की खान है वो पाई जाती है। और ऐसी एक खान है चिक्विकमाटा जो उत्तरी चिली के अटाकामा मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है, ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। इसके अलावा अन्य खाने जो मध्य चिली क्षेत्र में सेंटियागो के पास, जो चिली की राजधानी स्थित है, एल तेनियंत, ये सबसे गहरी तांबे की खान है। और इसी प्रकार कुछ अन्य खाने ला अफ्रीकाना और अल साल्वाडोर। चिल्ली क्या है कि विश्व का जो कुल तांबा उत्पादन है उसका लगभग एक तिहाई चिल्ली ही उत्पादित करता है, और इसका अधिकांश भाग का निर्यात कर दिया जाता है, और चिल्ली को 50% या इससे भी अधिक विदेशी मुद्रा ये तांबे के निर्यात से ही प्राप्त होती है। अतः तांबा चिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार है। अब देखते हैं पेरू। चिल्ली और चीन के बाद में तांबा उत्पादन में पेरू का तीसरा स्थान है, और यहाँ भी चिल्ली की समान अधिकांश तांबे का निक्षेप वो एंडीज पर्वत श्रेणी के पश्चिमी ढालों पे भी मिलता है, और ये भी चिल्ली की समान ही जो अधिकांश भाग है तांबे उत्पादन का उसको निर्यात करता है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका या एंग्लो अमेरिका क्षेत्र जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसके पश्चिमी राज्य हैं एरिजोना, उटा, मोंटाना, नेवादा, न्यू मैक्सिको, ये प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अगर तांबा का वितरण देखें और इसकी अगर गुणवत्ता देखें तो ये जो संचित भंडार हैं इन क्षेत्रों में ये निम्न कोटि के हैं। इनकी धातु संपन्नता लगभग 1% से भी कम पाई जाती है, और इनमें जो विशेष क्षेत्र है वो है मोंटाना राज्य का जो बूटे या बूटी क्षेत्र, ये एक प्रमुख जो तांबे का भंडार क्षेत्र है। फिर कनाडा,
संयुक्त राज्य अमेरिका को अगर तांबा उत्पादन की दृष्टि से देखें तो इसका चौथा स्थान है। अब देखते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा के ओंटेरियो राज्य का सडबरी क्षेत्र है वो यहाँ का प्रमुख है तांबा उत्पादक क्षेत्र। लगभग कनाडा का आधा तांबा का जो उत्पादन है वो इसी क्षेत्र से होता है। अन्य कुछ क्षेत्र हैं फ्लिन फ्लान क्षेत्र, नोरंदा रोयून क्षेत्र और वैंकूवर जो पश्चिमी कनाडा में स्थित है उसका ब्रिटेनिया क्षेत्र। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप को। यहाँ चीन सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ये चिली के बाद में दुनिया में इसका दूसरा स्थान है और मनान जेचवान चांगसान ये चीन के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। चीन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है जो लगभग जो कुल तांबा उत्पादन का 5% तांबा उत्पादन करता है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो पूर्वी भाग है और कुछ सुमात्रा का क्षेत्र सुमात्रा बोर्नियो सेलिबिस द्वीपसमूह ये यहाँ के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं और यहाँ की जो संचित भंडार हैं इनमें धातु संपन्नता ठीक ठाक पाई जाती है लगभग 3%। अब देखते हैं भारत की। अगर तांबा उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत का कोई विशेष प्रमुख स्थान नहीं है। तांबे के अगर संचित भंडार की दृष्टि से भारत एक विपन्न देश है। यहाँ जो तांबा मिलता है वो मुख्यतः कड़प्पा क्रम की चट्टानों और अरावली की चट्टानों में मिलता है। और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो झारखंड भारत का सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादित करता है। झारखंड का जो घाटशिला क्षेत्र है वो प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। लेकिन अगर भंडार की दृष्टि से देखें तो जो राजस्थान में सबसे अधिक भंडार पाया जाता है और साथ ही यहाँ का जो तांबा है वो उत्तम श्रेणी का है। राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं झुंझुनू जिले का खेतड़ी क्षेत्र, अलवर का खोदरीबा क्षेत्र तथा उदयपुर जिला। ये भारत के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश में भी कुछ तांबे के भंडार पाए जाते हैं। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में दो क्षेत्र पाए जाते हैं तांबा उत्पादक मुख्यतः। पहला ये जो कांगो जाम्बिया का जो क्षेत्र है या कांगो को जायरे भी बोलते हैं जायरे जाम्बिया क्षेत्र। ये जो जायरे का एक कटंगा क्षेत्र है जो कि इसके उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा क्षेत्र है जो दक्षिण अफ्रीका का जो पर्वतीय क्षेत्र है ये अफ्रीका के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इसी प्रकार अगर यूरोप में देखें तो रूस का जो यूराल का जो पश्चिमी क्षेत्र है तथा जो पोलैंड है और कुछ मात्रा में जो स्वीडन का क्षेत्र है ये प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। और इनके अलावा एक प्रमुख जो तांबा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कोबार माउंट लायल माउंट हिसा ये प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इस प्रकार हमने जो तांबे का वैश्विक वितरण